खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 को लेकर आखिर क्या कुछ कहा है तेजस्वी प्रकाश ने, प्रतीक, निशांत, राजीव, अनेरी, इन सभी को क्या कुछ एडवाइसेस दिए हैं तेजस्वी ने, चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी सीजन के लिए, सीजन 12 के लिए सभी बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा बज है और जिस तरीके की लाइनअप है कंटेस्टेंट्स की वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। अब कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है वो तो जब तभी हमें पता चलेगा जब वो खतरों से खेलेंगे और खतरों से खेलकर आगे बढ़ेंगे, अपने डर पर जीत हासिल करेंगे। ट्रॉफी तो एक बात की बात होती है लेकिन अपने डर पर कहीं ना कहीं वो जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। काफ़ी एक्साइटमेंट है। और तेजस्वी की अगर मैं बात करूँ जो कि सीजन टेन में बतौर कंटेस्टेंट जा चुकी हैं, सारे टास्क, सारे स्टंट्स सभी को एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, तो आपको बता दूँ उनसे जब पूछा गया खतरों के सीजन 12 को लेकर तो कहते हैं आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। और जब उनसे बोला जाता है कि प्रतीक है, निशांत है, तो बोलती हाँ अनेरी भी हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं हूँ और सब अच्छा करेंगे। तो फिर जब उनसे पूछा जाता है कौन सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन देगा, कौन सबसे ज़्यादा टफ है, तो तेजस्वी हैं जो कहती हैं कि इसमें कुछ बोल नहीं सकते। लाजमी है कि आप जब देखते हो शोज तो आप खुद सरप्राइज हो जाते हो कि कौन कैसा निकलेगा, आपको नहीं पता होता, पर जिसको आप सोच रहे हो कि वो अच्छा नहीं है, टास्क अच्छा नहीं कर पाएगा, कमज़ोर है, ये वही सबसे ज़्यादा अच्छा करके बताता है। जी हाँ, उनका ये कहने का मतलब था। तो इस तरीके से काफ़ी एक्साइटेड है तेजस्वी भी। और टिप्स तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने उसको कुछ जवाब तो दिया नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे तेजस्वी की इन बातों से, आप कितना एग्री करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और देखते रहे फीफा को इसी तरीके के अपडेट्स।